रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में बफर से ट्रेंडिंग बॉलीवुड शो में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम बी टाउन की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस दिवा शिल्पा शेट्टी को लेकर, जो इस वक्त अपने मोस्ट पॉपुलर शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के जज की कुर्सी पर बैठी नजर नहीं आ रही है और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, इसलिए फैंस डिमांड कर रहे हैं, लोग उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि उन्हें दोबारा शो में आना चाहिए। लेकिन शिल्पा अपने पति के विवादित केस की वजह से इस तरह चार दीवारी के अंदर अपने आप को छुपा कर रखी है कि लोग उन्हें लेकर काफी चिंतित है। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी से शिल्पा लड़कर उभर पाए और हमेशा की तरह लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। फिलहाल इस शो में हम आपको ले चलेंगे उस खास नजारे की तरफ जहां शिल्पा की लैविश मैरिज के साथ साथ उनके लैविश मैरिज के पूरे जो वेन्यू थे इस बारे में पता चली है। शिल्पा की लग्जरियस लाइफ की शुरुआत राज संघ शादी के बाद कैसे हुई, परफेक्ट फेरी टेल थी राज और कुंद्रा की शादी, जरा देखिए रिपोर्ट। वलजिस शिल्पा शेट्टी के साथ राजकुंद्रा की शादी की तमाम तस्वीरें हमने आपके बीच अब तक पेश की है। अब उस शादी के पूरे खर्च और शादी में मिले शिल्पा को तोहफे से लेकर शादी की पूरी ठाट बाट की पूरी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। राजकुंद्रा फिल्म रैकेट मामले में इस वक्त जेल में है बंद और हाई कोर्ट में जब तक उनके केस में आएगी नहीं सुनवाई पूरी, फैसले नहीं आएंगे तब तक उन्हें जेल में ही रहना है। अब यहाँ पर राज की पत्नी शिल्पा की बात करें तो राजकुंद्रा के इस केस की वजह से शिल्पा किस कदर टूटी है आप भी जानते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के सामने अपने घर पर छापेमारी के दौरान शिल्पा रो पड़ी थी और पति से उन्होंने एक ही सवाल किया था, आखिर जरूरत क्या थी ये सब करने की। फिल्म रैकेट मामले में राजकुंद्रा फंसे गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद और सागरिका सोना के स्टेटमेंट सामने आने के बाद, जिसके बाद शर्लिन चोपड़ा का बयान राज के खिलाफ ठोस सबूत मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ बन गया, क्योंकि शर्लिन ने कहा कि राज ने उनके साथ गलत करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट शिल्पा शेट्टी को लेकर उन्होंने कहा था कि शिल्पा के साथ उनका रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड है और वो स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी कितना टूटी होंगी आप समझ सकते हैं। खैर, शिल्पा के साथ शादी के लिए राज ने 3 करोड़ का उन्हें वेडिंग रिंग दिया था प्रपोज करते हुए एंगेजमेंट से पहले, और इसके बाद उन्हें कई तोहफे दिए थे। शादी की बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग में से एक है शिल्पा और राज की शादी, जो साल 2009 में हुई। आज दोनों के 2 बच्चे हैं, समीशा और बया, जिनके साथ ये लाइफ कुछ टाइम पहले तक बहुत बेहतरीन गुजार रहे थे, लेकिन आज ये लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिखर गई है और गलती सिर्फ राज कुंद्रा की है, क्योंकि राज ने ना चाहकर भी इन्वॉल्वमेंट रखा ऐसी चीज़ों में जिसके ज़रिए वो करोड़ों की कमाई का टारगेट बना चुके थे। 34 करोड़ का टारगेट था उनका साल 2023 तक। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे लंदन बेस्ड बिजनेसमैन के साथ राज कुंद्रा के साथ शिल्पा की शादी मोस्ट डिज़ायरेबल, शिल्पा शेट्टी के साथ राज कुंद्रा की शादी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। हंडाला में सेलिब्रेशन शुरू हुआ था शादी का, मेहंदी सेरेमनी से लेकर संगीत सेरेमनी तक, वेडिंग से लेकर प्री वेडिंग फंक्शन तक, सब कुछ हंडाला में हुआ था। शिल्पा शेट्टी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड के फार्म हाउस में वो शादी रखी गई थी। शिल्पा बेंगलोरियन कस्टम को फॉलो करती हुई इस शादी को रस्मों के साथ पति के साथ निभाने के लिए तैयार हुई थी। पहले तो वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में राज ने उन्हें मना ही लिया था। राज कुंद्रा के मुंबई के जुहू के स्थित बंगलों की बात की जाए, 4000 करोड़ के मालिक राज कुंद्रा, जो अपनी पत्नी में पूरी तरह से संपत्ति को बांटने वाले थे, बात की जाए तो 2 हिस्सों में इनकी संपत्ति बंटने वाली थी। कहा जाता है कि शादी के बाद राज कुंद्रा की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार शिल्पा शेट्टी तो हुई, लेकिन पहले जब राज ने तलाक दिया था कविता को पहली शादी में, तो तलाक के बाद उन्हें
करोड़ों करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर कविता को देनी पड़ी। कविता ऑलरेडी एक बेटी की माँ थी और ऐसे में डेलेना के जन्म के बाद राज का साल भर के अंदर अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना उनकी मजबूरी थी, ये उन्होंने बताया था। खैर, शिल्पा शेट्टी की जब राज से शादी हुई थी तो शिल्पा को होम ब्रेकर तक कहा गया। कविता ने कहा था कि जो जिंदगी वो जी रही थी वो जिंदगी शिल्पा ने उनसे छीन ली है राज से शादी कर। ऐसे में ग्रैंड रिसेप्शन शादी के बाद जब राज और शिल्पा ने रखा तो वहाँ उन्हें कई करोड़ों महंगे तोहफे भी मिले। तरुण तहलानी की बहुत ही फेमस डिजाइन ड्रेस में वो नजर आए थे। राजकुंद्रा ने शांतनु और निखिल की आउटफिट को कैरी किया था वेडिंग और रिसेप्शन पार्टी में। ग्रेडर स्वरस की ड्रेस में जब शिल्पा शेट्टी क्रिस्टल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस में नजर आई थी, वो ड्रेस 50 लाख की थी। जी हाँ, 50 लाख के कपड़े में शिल्पा शेट्टी शादी के बंधन में बंधी थी। वेडिंग ज्वेलरी की बात की जाए और मेजेस्टिक कुंदन ज्वेलरी की बात की जाए तो अनकट डायमंड से बना उस ज्वेलरी की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हाँ, लगभग 3 करोड़ रुपए के ज्वेलरी पहनकर शिल्पा ने राज संग शादी के साथ फेरे लिए। एक गॉसिप मैगजीन के मुताबिक माने तो शिल्पा और राज ने 9 फेरे लिए थे और 9 टायर वेडिंग केक के साथ इन्होंने रिसेप्शन में 80 kg का केक पूरी तरह से काटकर हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि इतना लग्जरियस, इतना ज़्यादा आलिशान अंदाज शादी में इतना ठाट बाट इससे पहले नहीं देखने को मिला था सालों सालों तक। वैसे तो ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है, लेकिन शिल्पा की शादी का हिस्सा मीडिया वाले भी बने। शिल्पा की शादी में कोई भी कमी नहीं थी, मीडिया को भी ग्रैंड ट्रीट दिया गया था। अगर इनसाइड सेलिब्रेशंस की बात की जाए तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी ब्राइडल कोशर को फॉलो करते हुए अलोकली इंगेजमेंट इन्होंने किया और शिल्पा और राज की शादी पूरी कंप्लीट शाही घराने की शादी लग रही थी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी अ ग्लैमरस क्वीन जब शादी के बंधन में बंधने वाली थी, लव एट फर्स्ट साइट जब सच होने वाला था राज के साथ उनका। राजकुंद्रा ने कहा था, द मोमेंट आई सॉ हर आई न्यू आई वुड लव हर टू बी माई लाइफ पार्टनर, और ये सच किया राज ने। वही राज जो छापेमारी के दौरान शिल्पा के सामने अपनी आंखों में आने वाले आंसू को रोक नहीं पाए थे। खैर, शिल्पा और राज की शादी में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे थे। इनकी लव स्टोरी जो लंदन में शुरू हुई वो नवंबर के महीने में साल 2009 में मुंबई में आकर इस तरह बदल जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। इन दोनों की शादी के बाद अगर देखा जाए तो इन दोनों ने कई बड़े बिजनेस को बढ़ावा दिया। 134 करोड़ की मालकिन शिल्पा शेट्टी के साथ राज जो 4000 करोड़ के मालिक हैं उन्होंने जेल स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड को आगे बढ़ाया और इसी के साथ साथ राजस्थान रॉयल टीम के ज़रिए ये करोड़ों की कमाई को आगे बढ़ा पाए। और अब जो ऐप्स को लेकर राज मुश्किलों में पड़े उसके ज़रिए भी उन्होंने करोड़ों की कमाई इकट्ठा कर ली थी। इसके अलावा मुंबई में इनका रेस्तरा है जहां इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए और इनकम भी इनकी करोड़ों में होती है। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम बी टाउन की मोस्ट पॉपुलर शिल्पा शेट्टी को लेकर, उनके मैरिज को लेकर, उनसे जुड़ी हमने आपको खास रिपोर्ट दी है। वक्त हो चला है यहीं आपसे विदा लेने का। ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं, राज कुंद्रा मामले में शिल्पा को ट्रोल करना, शिल्पा को निशाना बनाना क्या आपको सही लगता है? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों है लोग चुप, क्यों शिल्पा के सपोर्ट में सिर्फ अब तक ऋचा चड्ढा ही आई है, हंसल मेहता ही आए हैं? कॉमेंट में बताएं। लेंगे इजाजत, नमस्कार।